नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक लावा का मोबाइल है, लावा आईरेक्स आई एटम A3, और इसमें हमारी ये टच किस प्रकार से हम रिप्लेस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये हमारी टच हमारी डैमेज हो चुकी है, तो हम आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने लावा आईरेक्स एटम A3 की टच किस प्रकार से रिप्लेस करें। तो वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक लावा का मोबाइल है, लावा एटम आईरेक्स A3, और इसकी ये टच हम रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका बैक कवर पर रिमूव कर लेना है। ये हमने बैक कवर रिमूव कर लिया, हमें इसकी बैटरी को रिमूव कर लेना है। हमने ये बैटरी इसकी रिमूव कर ली, और ये देखिए हमारा मॉडल है लावा आईरेक्स एटम A3। ये देखिए दोस्तों, एटम 3। और अब हमें इसका ये बोन रिमूव करना है, इसके लिए हमें ये स्क्रू ओपन करने हैं। हमने ऑलरेडी स्क्रू ओपन कर लिए, आपको 1x1 करके सारे स्क्रू ओपन करने, और नेल्स की सहायता से आपको ये इसके बोन को रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके बोन को रिमूव कर लिया, और अब हमें हमारा इसका मदरबोर्ड को रिमूव कर लेना है। ये देखिए, हम इसके मदरबोर्ड को रिमूव कर लेंगे, हमें ये डिस्प्ले को रिमूव कर लेना है, और हमें ये टच को रिमूव कर लेना है, और मदरबोर्ड को हमें बाहर निकाल लेना है इसका। ये देखिए दोस्तों, और हमें ये इसको रिमूव कर लेना है, और एंटीना को भी हमें रिमूव कर लेना है। ये देखिए, हमने हमारा ये मदरबोर्ड को निकाल लिया। ये देखिए, हमारा एटम 3 का मदरबोर्ड है, हमें इसको साइड में रख लेना है। और अब हमें इसके टच को रिमूव कर लेना है दोस्तों। इसके लिए हम SMD का इस्तेमाल करेंगे, हम इसको SMD की सहायता से इसको गर्म करेंगे और इसके टच को रिमूव करेंगे। हम SMD की सहायता से इसको रिमूव करेंगे, थोड़ा हमें हीट करना है इसको। ये देखिए दोस्तों, हमें ये हीट करने के बाद में हमें ये टूजर की मदद से इसके टच को रिमूव करना है, बहुत ही केयरफुली हमें ये करना है सारा काम। ये देखिए, हमें ये इसको प्रॉपर वे में रिमूव कर लेना है इस प्रकार से, और हमें ये टच इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, हमें ये चारों ओर से इसको रिमूव कर लेना है। ये देखिए, और ये देखिए, इस प्रकार से हमें ये रिमूव कर लेना है, और हमारा ये टच को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डैमेज टच हमने बाहर निकाल लिया, ये देखिए, और इसका हमें ये गम को रिमूव कर लेना है, ताकि हम जो नया टच इसके अंदर लगा पाएँ वो ईजिली हमारा चिपक सके। ये देखिए, हमें ये सारा गम इसको रिमूव कर लेना है। देखिए, हमें ये सारा इसका जो भी गम है वो रिमूव कर लेना है इसका, ताकि हम नया इसके ऊपर जो भी टच लगाएं। देखिए दोस्तों, हमने ये सारा गम इसका रिमूव कर लिया, अब हम इसमें नया टच लेंगे, नया टच लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये नया टच ले लिया इसका,
और इसका ये हमारे गम लगा हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो हमें इसमें गम की आवश्यकता नहीं है। हमें इसका ये रैपर रिमूव करना है, ये हमें ये रैपर रिमूव करना है जिसमें गम नहीं लगा हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें 27,000 यूज़ करना होगा चिपकाने के लिए। इसमें ये ऑलरेडी ये देखिए हमारे पास गम है, तो हमें किसी प्रकार का इसमें गम यूज़ नहीं करना है। और अब हमें ये टच को इसके अंदर से एंटर करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों क्लीन कर चुके हम, और अब हम इसके अंदर ये टच को इंसर्ट करेंगे और हमारी ये इसको निकाल कर और टच को इसके लेवल में रख कर और हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और ये हमें इस प्रकार से प्रेस कर देना है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें ये प्रेस कर देना है। और अब हम हमारा मदरबोर्ड लेंगे और मदरबोर्ड इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें सबसे पहले ये स्ट्रिप को लगाएंगे। स्ट्रिप को लगाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पेपर को रिमूव कर लेते हैं ताकि स्ट्रिप हमारी इजीली लग सके इस प्रकार से। ये देखिए हमें ये स्ट्रिप को इजीली यहाँ पर लगाकर और हमें ये लॉक कर देना है। एंटीना भी हमें हमारा यहाँ पर लगाना है। एंटीना हमने लगा दिया। अब हमें हमारा ये जो टच का फ्लेक्स है इसको इस प्रकार से फोल्ड कर कर लगाना है। इस प्रकार से हमें फोल्ड कर देना है और ये डिस्प्ले का बचाकर और हमें ये लगाना है इसके अंदर अच्छे से। ये देखिए मदरबोर्ड को हमने इसको सेट कर दिया। अब हमें हमारा डिस्प्ले कनेक्टर इसके अंदर लगा देना है। बहुत ही केयरफुली करना हमें डिस्प्ले कनेक्टर इंसर्ट इसके अंदर, और ये हमें लॉक कर देना है। टच कनेक्टर हम इसके अंदर लगाएंगे। टच कनेक्टर लगाने के बाद में ये हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में दोस्तों अब हमारा बोन हम लेंगे और बोन लगाते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए हमने ये बोन लगा दिया। अब हम बैटरी लगा के चेक करते हैं इसके अंदर। हमने बैटरी इंसर्ट कर दी और अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा ये लावा का लिखा हुआ आ गया, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। ये देखिए दोस्तों हमारा ये मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं हमारी टच वर्किंग में नहीं है। हम इसको अनलॉक करते हैं, पासवर्ड मांग रहे हैं। हम इसका पासवर्ड ओपन करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए हमारा ये पासवर्ड ओपन हो गया। और अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों बैक बटन सारा सब कुछ वर्क कर रहा है हमारा। और अब हम मैसेज में चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है हमारा। हम आपको चेक करा देते हैं इसको, मैसेज वगैरह भी में भी हमारे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये हम इसकी जीमेल में चले जाते हैं और ये हम देखिए टाइप करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रॉपरली वे में वर्क कर रहा है सारा। हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा मॉडल है ये। हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं
और ये देखिए हमारा मॉडल है A3। ये देखिए देखिए दोस्तों, तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे लावा आयरेक्स A3 मॉडल का टचपैड रिप्लेस किया। ये देखिए मॉडल लिखा हुआ है हमारा A3। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारा लावा आयरेक्स A3 मॉडल का टचपैड रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।